इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। पंडित प्रदीप मिश्रा की आयोजित 5 दिवसीय शिव पुराण के पहले दिन आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के साथ सिमरिया मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभा स्थल पर पहुंचकर विशाल जन समुदाय के सामने शिव पुराण का महत्व बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने छिंदवाड़ा की भूमि को शिव भक्ति का केंद्र बताते हुए कहा कि शिव भक्त अपनी यात्रा का आरंभ छिंदवाड़ा से ही करते हैं और यह सनातन प्रथा है। छिंदवाड़ा एक शिव भक्ति की शक्ति का केंद्र रहा है और इस जगह का एक पौराणिक महत्व है। छिंदवाड़ा के आसपास का पूरा क्षेत्र जो रहा है पुराने समय से ही शिव आराधना से और शक्ति की आराधना से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो इसके आसपास में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं ये पुरातन समय में हमारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधकों की तपस्थली रही है। अगर नर्मदा जी जाने वाले हों, गंगा घाट पर जाने वाले हों, सरयू का स्नान करने वाले हों, पहले इस वन क्षेत्र में आकर तप साधना करने के बाद ही वो अन्य क्षेत्र के लिए जाते थे। तो यहाँ तपोस्थली शिव। कथा के आरंभ से पूर्व कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा को छिंदवाड़ा पधारने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि पंडित जी के आगमन से पूर्व छिंदवाड़ा में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उनके कदम यहां पड़ने के बाद अब बारिश का मौसम बनने लगा है। हम चाहते हैं आप दोबारा भी छिंदवाड़ा आएं और यहां के भक्तों को अपने प्रवचन से लाभान्वित करें। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन जो शिक्षक दिवस है आप छिंदवाड़ा में, आप एक सच्चे शिक्षक हैं और आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां हमारे प्रदेश के किसान आसमान की ओर देख रहे हैं। जैसे ही आपके चरण पड़े छिंदवाड़ा में, ऊपर देखिए बादल आ रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की प्रार्थना करें। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं जन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचे। महापौर के ऊपर योजनाओं को रोकने का आरोप लगाते हुए विवेक बंटी साहू ने कहा कि विगत एक वर्ष पूर्व नगर पालिक निगम के चुनाव के उपरांत महापौर जब से नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा का पदभार ग्रहण किया है, तब से मध्य प्रदेश शासन द्वारा छिंदवाड़ा नगर के विकास के लिए आने वाली योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग महापौर परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश एवं केंद्र की सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के नगर निगम छिंदवाड़ा को सभी योजनाओं के अंतर्गत भरपूर राशि आवंटित की जा रही है। महापौर यहां कृत सरकार की मंशा को रोककर शहर के विकास में महापौर द्वारा रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जिसका विरोध करते हुए आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापौर के कार्यालय दरवाजे पर शिकायत पत्र चस्पा की। वहीं निगम कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया। कार्यालयीन समय में जब शहर की जनता यहाँ आती है नगर निगम में अपने काम करवाने के लिए, तो कार्यालय यहाँ पर महापौर अनुपस्थित है और मेरे को पता चला अभी कि हफ्ते भर 10-10 दिन महापौर यहाँ निगम में आते नहीं है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज पूरे शहर की स्थिति बदतर हो गई। और जब से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बना है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे शहर की साफ सफाई व्यवस्था हो, सारी बदतर हो गई है और इन्होंने शहर का बंटाधार बना दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम में महापौर के खिलाफ जो हम लोगों की मांग थी वो चस्पा करके जा रहे हैं, और अगर वो जल्द इसकी स्वीकृति नहीं देते हैं तो एक बड़ा आंदोलन महापौर और नगर निगम के खिलाफ किया। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित है। इसी बीच भाजपा नगर युवा मोर्चा के उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का इसके द्वारा कहे जाने वाले सनातन विरोधी बयान को लेकर चुप रहना यह दर्शाता है कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और कोरोना की बीमारी जैसे कहकर ख़त्म करने के लिए कहा है,
हम उनको बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जान चुके हैं और इस टाइप की तुम्हारी हिंदू गतिविधियां और हिंदू विरोधी बातें अब नहीं चलेगी। एम के ये स्टालिन जो कि INDIA के गठबंधन के प्रमुख घटक दल है और कांग्रेस का इस हिंदू विरोधी बयान में चुप रहना इनका ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी इसके साथ मिली हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वन अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेगी और वन पर आश्रित लोगों को जागृत करेगी। कांग्रेस के पदाधिकारी ने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वन पर आश्रित लोगों के साथ अत्याचार किया है, लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया है, इन उद्देश्यों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वन अधिकार यात्रा 2023 का शुभारंभ छिंदवाड़ा से किया गया है। माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ की वन अधिकार यात्रा को आज माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से रवाना कर रहे हैं। ये प्रदेश के 15 जिलों में जाएगी। छिंदवाड़ा के बाद सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली और चित्रकूट में 19 सितंबर को समाप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वन आश्रित लोग हैं और उनके जिस तरीके से रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चोट पहुंचाई है, जिस तरीके से वन समितियों में आरक्षण खत्म किया है, जिस तरीके से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जो राशि आती थी वो देना बंद कर दिया है, तो इन सब विषयों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और जागरूक करने का प्रयास करेंगे। चांद थाना अंतर्गत ग्राम कुकरई के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। कुकरई निवासी मेहताब की हत्या के बाद शव मिला था, जिसके लिए परिवार एवं ग्राम वासियों ने एकत्रित होकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरे पापा नाले के पास पड़े थे, फिर इसको कॉल लगाए, फिर आए पुलिस वाले ने रात में लेकर चर्चा ले आए थे। चांद थाने के अंतर्गत ग्राम ककरे पड़ता है, वहाँ पर ककरे करके पड़ता है, वहाँ पर मेहताब जी की जो एक निर्मम हत्या की गई है, उनका पत्नी उनके बच्चे आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, इसके निष्पक्षता से जांच की जाए ताकि दोषियों को सजा मिले और इन परिवारों को राहत और जो सहायता मिलती है वो शासन तत्काल प्रभाव से इन्हें रिलीज की जाए। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटरप्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। देहात थाना अंतर्गत रिंग रोड में कचरा घर के पास सुनसान इलाके में रात्रि के समय लोगों को चाकू की नोक पर डराकर उनके ऊपर लाठी और लोहे के पाइप से मारपीट कर लगातार लूट होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा टीम गठित कर चार आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें आरोपियों के पास से बरामद सामान में लगभग 2 लाख से अधिक की जब्ती की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय लालबाग स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन जिला भाजपा कार्यालय में किया गया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा छिंदवाड़ा जिले के सातों विधानसभाओं में आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यह हमारा विधानसभा का कार्यालय है और पूरी सातों विधानसभाओं में खोला गया है। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में सातों की सात सीट भारतीय जनता पार्टी विजय में जीतने वाली है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया। जन सुनवाई में SDM सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य विभागों के प्रमुख मौजूद थे। अंशकालीन कर्मचारी को नियमित करने एवं वेतन वृद्धि को लेकर सभी शासकीय स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन भृत्य शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अंशकालीन कर्मचारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, कर्मचारी को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। हमारी मांगे हैं सर कि हमारी वेतन वृद्धि होना चाहिए और विशेष हमारा मुद्दा है कि चतुर्श्रेणी के नियमित होना चाहिए। जो हमारा जो संघ है पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और आज हमने ये ज्ञापन छिंदवाड़ा जिले के सभी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपे। गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को तिलक लगाकर अभिनंदन किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति देकर शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अजरा एजाज एवं समस्त स्टाफ एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंगलवार को चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों के लिए मंगलवार का दिन खुशगवार रहा। अहले सुबह से ही बारिश के लक्षण दिखाई दिए और दोपहर करीब 3:30 बजे झमाझम बारिश हुई। झमाझम बारिश होने से लोगों को बीते कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली।